कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं एपिलेप्सी के अंदर, जैसे कि उदाहरण के तौर पे कई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं कि सर मेरे बच्चे को मिर्गी आ गई, तान आ गई, तो हम उनकी रिपोर्ट्स देखते हैं और काफी टाइम से वो इलाज ले रहे होते हैं, बट सिंपल एक एमआरआई और ईईजी करने के बाद उनको दवाई पे डाल दिया जाता है, लेकिन उनको ये जवाब नहीं मिलता है कि उनको दवाइयाँ कब तक लेनी है और क्यों लेनी है। तो इसमें यह है कि इसमें डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिर्गी आ क्यों रही है, किस वजह से आ रही है। तो आजकल नई आधुनिक 3 टेस्ला एमआरआई आ चुकी है, इससे हम छोटी छोटी नसों को और बारीकियों से देख सकते हैं। इससे हमको मिर्गी बनाने वाले फोकस के बारे में ज्यादा बेहतर जानकारी मिल सकती है। तो इससे जब हमको कारण मिलेगा तो उसका इलाज भी ज्यादा अच्छे से होगा। दूसरी ओर देखिए, सिंपल ईईजी करने के बाद, नॉर्मल आने के बाद, जब पेरेंट्स पूछते हैं कि साहब मेरे बच्चे की ईईजी और एमआरआई नॉर्मल आ रही है तो फिर मेरे बच्चे की मिर्गी क्यों आ रही है, तो उनको ये जानकारी नहीं दी जाती है कि ईईजी भी अलग अलग प्रकार की होती है। एक होती है वीडियो ईईजी, जिसमें हम ज्यादा अच्छी तरीके से मिर्गी बनाने वाली तरंगों को देख सकते हैं। फिर एमआरआई भी नॉर्मल आ गया, ईईजी भी नॉर्मल आ गया, फिर भी क्या कुछ और बाकी है? तो कई बार इसमें ब्लड में जीन टेस्टिंग करने से भी पता लगता है कि मिर्गी क्यों बन रही है। कुछ जीन्स बच्चों में मिर्गी बनाती है, उन जीन्स का पता लगता है तो ज्यादा बेहतर दवाइयां की जा सकती है जिससे मिर्गी कंट्रोल हो सकती है। गत 10 वर्षों में 10 से ज्यादा दवाइयां इसमें और आ चुकी है, लेकिन अभी भी कई सारे मरीज वही पुरानी दवाइयों को सालों से ले रहे हैं और दौरे भी कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए नई दवाइयों के अंदर भी ट्राई करना चाहिए। 20% मरीज ऐसे होते हैं, जैसे कि 100 में 20 मरीज, जिनमें हर प्रकार की दवाई देने के बाद भी एपिलेप्सी या मिर्गी कंट्रोल नहीं होती है। कितनी भी दवाई ले लीजिए आप, 8, 10, 7, 15, लेकिन उनके दौरे कंट्रोल नहीं होते। ऐसे 20% मरीजों के अंदर सर्जरी का ऑप्शन होता है। सर्जरी एक सेफ प्रोसीजर है, इसके बारे में बहुत भ्रांति है कि इससे पेशेंट को लकवा आ जाएगा, इसकी याददाश्त खत्म हो जाएगी, ये कोमा में चला जाएगा। इस तरह की भ्रांति न रखें, दौरे सर्जरी से कई गुना ज्यादा डेंजरस है। दौरों के अंदर मरीज को होश नहीं होता है, वो कुछ भी कहीं भी गिर सकता है, उसको चोट लग सकती है, वो जल सकता है, डूब सकता है, लेकिन सर्जरी के अंदर हम लोग सारी प्रिकॉशंस लेने के बाद सर्जरी करते हैं, जो कि काफी सेफ प्रोसीजर और रिस्क ना के बराबर होता है।